कुछ समय से सीएम साहब के बार बार ये आदेश रहे हैं कि वे बस मार्शल्स जो हैं ये बिल्कुल रहेंगे, इनको किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन कुछ समय से आप सभी को पता है कि बस मार्शल्स को लेके अलग अलग डिपार्टमेंट से सामने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। उनकी सैलरी जो है वो काफ़ी महीनों से फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज नहीं की गई है, और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल की लगातार ये ऑर्डर है कि बस मार्शल्स को नहीं हटाया जाएगा। मैंने भी जितनी बार भी मेरे सामने ये विषय आया बस मार्शल्स का, मैंने बार बार ये फाइल पे कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को ये आदेश दिए हैं कि बस मार्शल्स जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिसी और स्कीम है, क्योंकि इसमें वुमेन सेफ्टी का जो सेंसिटिव इशू है ये जुड़ा हुआ है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑब्जेक्शन आया कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं जो बस मार्शल की तरह काम कर रहे हैं ये एक नॉन डिजास्टर काम है, और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स सिर्फ डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उसमें फिर दोबारा सीएम साहब के आदेश थे कि भी अगर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एंगेज नहीं हो सकते तो इन्हीं बस मार्शल्स को आप होम गार्ड के तहत इनको लगाया जाए, और यही प्रपोजल जो है एलजी साहब को भेजा गया। कल माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने एज मिनिस्टर होम मुझे ही आदेश दिए हैं कि जितने भी बस मार्शल्स हैं इन्हीं को एज होम गार्ड जो है वो डिप्लॉय किया जाए। इससे दो तीन फायदे हैं कि जो बस मार्शल इतने सालों से काम कर रहे हैं ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंशियली कोई बहुत स्ट्रांग इनकी बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको जो रोज़गार मिला है वो रोज़गार मिलता रहेगा।